हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, और हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज किया गया है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए। 5 एम्पियर का करंट है, 20 मिनट्स का टाइम है, यानी कि करंट लिख लेंगे हम लोग 5 एम्पियर, टाइम लिख लेंगे 20 मिनट्स। मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, तो इट विल बी 1200 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स का टाइम है। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड? कैथोड पे निकल का कितना मास डिपॉजिट होने वाला है वो हमसे पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकल नाइट्रेट में हमें देखना है कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। निकल का एक्स लगा लो, नाइट्रेट का -1 होता है, तो एक्स -1 इंटू 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब क्या है, निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो यानी कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ताकि निकल के अंदर वो रिड्यूस हो जाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, और एक बात जो हमें और यहाँ पे करनी है कि 1 मोल ऑफ निकल में कितना मास होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ निकल इज इक्वल टू 58.7 ग्राम। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये चीज आपको गिवन होगी। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चार्ज ऑफ कितना, 2 मोल यानी कि 2 फेराडे डिपॉजिट मास। कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, 58.7 ग्राम। तो 1F कितना चार्ज, कितना मास डिपॉजिट करेगा, 58.7 अपॉन 2F। अब यहाँ पे F है फेराडे, तो इसको अपन नॉर्मल कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके 9650 से, क्योंकि 1 फेराडे मतलब 9650 कूलम पर मोल होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हमारे पास टोटल चार्ज निकल के आएगा वो इन टर्म्स ऑफ कूलम आएगा, तो या तो कूलम को फेराडे में कर लो या फेराडे को कूलम में कर लो, आप लोगों की मर्जी है। अब मुझे पहले क्या निकालना है कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि क्यों। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट है 5 एम्पियर का और टाइम है 1200 सेकेंड का, तो यानी कि ये बन गया आपके पास 6000 कूलम। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 6000 कूलम का चार्ज जो है वो जा रहा है, तो हम लोग इसको 6000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस कैलकुलेशन को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 58.7 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9650, तो ये बन जाएगा आपका 1.82 ग्राम। तो यानी कि 6000 कूलम अगर चार्ज आप लोग पास करवाओगे तो 1.82 ग्राम निकल जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड व्हाट इज कैथोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है और वो कैटाइंस यानी कि पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ खींचता है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का डन हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट। तो ए के अंदर है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, बी के अंदर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सी के अंदर है कॉपर सल्फेट। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज कनेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये मतलब है कि जो चार्ज फ्लो करेगा वो तीनों में सेम फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो विल बी द सेम. स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड, और 1.5 एम्पियर का करंट जो है वो पास किया गया थ्रू देम अंटिल 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, तब तक कि जब तक कि सिल्वर का जो मास है, सिल्वर मास कितना डिपॉजिट हो जाए, 1.45 ग्राम डिपॉजिट नहीं हो जाता तब तक के लिए करंट पास किया जा रहा है. हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ, टाइम हमें पता करना है. व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, और कॉपर और जिंक का भी मास कितना डिपॉजिट होगा इस टाइम में, वो भी हमें फाइंड आउट करना है. चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग. जो गिवन है, करंट हमें दिया हुआ है, सिल्वर का मास हमें दिया हुआ है जितना डिपॉजिट किया गया है. यहाँ पे मुझे मोलर मास की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो यहाँ पे लिखने वाला हूं. मोलर मास ऑफ जिंक, जिंक का मोलर मास है 65.3 ग्राम. मोलर मास ऑफ सिल्वर यानी कि Ag, ये है आपके पास 108 ग्राम. देन मोलर मास ऑफ कॉपर, दिस इज गिवन एज 63.5 ग्राम. तो ये हमें तीनों के मोलर मास पता चल गए. अब अपना कहानी शुरू करते हैं. जो हमें गिवन है सिल्वर, सिल्वर का कौन सा सॉल्यूशन है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है. सिल्वर का एक्स लेट कर लो तो X-1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स आ गया आपके पास 1. तो यानी कि सिल्वर के ऊपर 1 चार्ज है, तो इट मींस सिल्वर के आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ताकि वो सिल्वर में रिड्यूस हो जाए. तो इसका मतलब क्या है कि हमें 1 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है ताकि 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाए, क्योंकि 108 ग्राम मोलर मास है सिल्वर का. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे. मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, 1 फैराडे मतलब कि 96500 कूलम. ओके, अगर हम लोग बात करें कि मेरे को 1 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट करना है, तो यानी कि 108 से मैं डिवाइड करूंगा तो इतना चार्ज मुझे चाहिए. अब मुझे टोटल कितना सिल्वर उन्होंने डिपॉजिट करके दिया है, 1.45. तो 1.45 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, जो मेरे पास क्वांटिटी आ रही है उसे 1.45 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो मेरे को ये सॉल्व करके कितना आएगा, 96500 1.45 डिवाइडेड बाय 108. तो आई एम गेटिंग टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है 1295.60 कूलम. तो ये वो चार्ज है जो कि कंटिन्यूसली पास हो रहा है, और तब तक पास हो रहा है मतलब ये चार्ज पास हुआ तो सिल्वर 1.45 डिपॉजिट हो गया. अब चार्ज निकालना जरूरी क्यों था, या चार्ज क्यों निकाला, क्योंकि हमें टाइम पता करना है. अपन इस चीज को इधर रब कर देते हैं. टाइम निकालना है, मुझे करंट दिया हुआ है और चार्ज अगर मुझे पता होगा तभी मैं टी कैलकुलेट कर पाऊंगा. टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज अपॉन करंट. तो नाउ चार्ज इज 1295.60, करंट है अपना 1.5. तो इसे अपन डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा आंसर बनेगा. 1295.60 डिवाइड बाय 1.5, तो इट इज 863.73 सेकंड. तो इतने सेकंड के लिए जो चार्ज है वो पास किया गया है
863.73 सेकेंड। तो यानी कि जो पूछा हुआ था हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, उसका आंसर हमें मिल गया है 863.73 सेकेंड। मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब हमें करना है कि कॉपर और जिंक का मास कितना डिपॉजिट हुआ है। हमें ये जो चार्ज की वैल्यू है वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, 1295.60। तो इसको अपन ने साइड में लिख लिया, बाकी अपन जो चीज है उसको इरेज कर देते हैं ताकि अपने पास थोड़ा स्पेस आ जाए अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो ये अपना पार्ट डन हो गया, मतलब हमें सिल्वर के मास से चार्ज कैलकुलेट हो गया, साथ में टाइम भी कैलकुलेट हो गया। अब जो चीज कैलकुलेट हुई है उसकी हेल्प से हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे कि कॉपर और जिंक का कितना डिपॉजिट होगा। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जिंक की बात कर लेंगे, जिंक सल्फेट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जिंक सल्फेट के में जिंक के ऊपर क्या चार्ज है। सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, 2 होल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि जिंक के अंदर वो रिड्यूस हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 फेराडे या फिर 2 × 96500 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर अमाउंट ऑफ जिंक टू बी डिपॉजिट ऑन कैथोड। तो कितना मतलब चार्ज रिक्वायरमेंट, इतना चार्ज रिक्वायरमेंट है कितने के लिए, जिंक के 1 मोल के डिपोजिशन के लिए। और 1 मोल कितना है जिंक का, 65.3 ग्राम। तो अगर मेरे पास 1 कूलम का चार्ज हो तो फिर कितना मास डिपॉजिट होगा, तो इसका मतलब है 65.3 को डिवाइड करेंगे 2 × 96500 से। टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, 1295.60 कूलम। तो अपन कह रहे हैं क्या, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 1295.60। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, 63.5 1295.60 डिवाइडेड बाय 2 / 96500, तो इट इज कम आउट एज 0.43 ग्राम। तो 0.43 ग्राम अमाउंट जो है जिंक का वो डिपॉजिट होगा अगर ये चार्ज कंटिन्यूसली पास होता जाएगा। ओके, अब करते हैं इसको इरेज, क्योंकि अब हमें पता करना है कॉपर के लिए। चलिए ये सारा अब अपन डिलीट कर रहे हैं ताकि स्पेस आ जाए। चलिए यहां से भी रब कर देंगे, जिंक सल्फेट की बात खत्म हो चुकी है। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। तो अगेन सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो इधर भी प्लस का 2 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर के 2 पॉजिटिव आयंस को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि कॉपर में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन क्या लिखेंगे, 2F यानी कि 2 × 96500 कूलम चार्ज डिपॉजिट्स कॉपर्स मास कितना करता है, 1 मोल। तो कॉपर के 1 मोल में कितना मास है, 63.5 ग्राम। अब 1 कूलम का जो चार्ज है वो कितना मास डिपॉजिट करेगा कॉपर का, 63.5 को 2 × 96500 से डिवाइड करेंगे। टोटल चार्ज कितना था, अपने वो रीड कर दिया, पर अपने को
याद होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो तो आपके पास बुक में होगा, इतना चार्ज था। तो 1295.60, तो जो आपके पास आया है उसे सिंपली इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1295.60। चलिए देखते हैं कि क्या बनेगा। तो 63.5 1295.60 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96500, तो अगेन इट इज कम आउट एज 0.426। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो सेम ही वैल्यू आई है जिंक जैसी। वो उसकी वजह क्यों आया है, क्योंकि कॉपर और जिंक का जो मोलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है, और सेम ही उनको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपोजिशन के लिए, और चार्ज भी सेम है, तो इसलिए बहुत थोड़ा ही डिफरेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि जिंक का मास ज्यादा है तो इसलिए जिंक की वैल्यू भी थोड़ी सी आपको ज्यादा मिल रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।